निकालो यार, निकालो यार, निकालो यार, मदद करो, अरे मदद करो यार, अरे पापा, पापा हर हर महादेव। दोस्तों अभी आपने वीडियो देखा, एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो है जिसमें बर्फ में बहुत सारे लोग डूब रहे हैं। तो दोस्तों मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा कि ये कहाँ पर हादसा हुआ है केदारनाथ में, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये जो हादसा हुआ है ये केदारनाथ में हुआ है और केदारनाथ में बहुत सारे लोग बर्फ़ में दब चुके हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो है ये न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ के बारे में, इस न्यूज़ की क्या हकीकत है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये देखिए, जो सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में न्यूज़ डाली जा रही है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर भी लिखा जा रहा है केदारनाथ में बर्फ़ गिरी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो केदारनाथ में बर्फ़ में लोग फंसे। और ये सेम वीडियो है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में बोला जा रहा है कि वहाँ पर इतने लोग फंस गए हैं और लोग दब गए हैं बर्फ़ में। ये सारे यहाँ पर बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनमें ये सब कुछ वीडियो डाला जा रहा है और केदारनाथ के बारे में बोला जा रहा है कि बर्फ़ में दबने से लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। दोस्तों ये वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं केदारनाथ के बारे में और बद्रीनाथ के बारे में। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, लोग बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि कहाँ पर हादसा हुआ है, कितने लोग इसमें दबे हैं, कितने मारे गए हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है इसकी जो हकीकत है आप खुद सुनिए, एक उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी ने इस वीडियो के बारे में क्या कहा और ये कहाँ का वीडियो है, इसकी सच्चाई क्या है, मैं सब कुछ आपको सुनाता हूँ। आप बने रहिए वीडियो में और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी हकीकत क्या है। एक बार आप जो अधिकारी हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के, उनसे आप खुद सुनिए इस वीडियो की। ज्ञात हुआ है कि जो श्री बद्रीनाथ जी में कोई एवलांच हुआ करके विभिन्न सोशल मीडिया का माध्यम से जो है एक भ्रामक सूचना जो है चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल झूठी सूचना है। ये जो वीडियो तस्वीर उसमें दिखाया जा रहा है ये 4 अप्रैल 2023 को जो सिक्किम में जो हुआ एवलांच उसी बारे में संबंधित है, ये बिल्कुल भ्रामक सूचना है। इसका जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है उत्तराखंड पुलिस द्वारा इसमें जो भ्रामक सूचना फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। और हम सभी श्रद्धालुओं से और सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं इस टाइप का भ्रामक सूचना को विश्वास ना करें और जो भी सही सूचना है वो हमारा उत्तराखंड पुलिस का जो सोशल मीडिया पेजेस है, उत्तराखंड पुलिस का नाम से जो फेसबुक ट्विटर इंस्टा में अवेलेबल है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वो हम तुरंत अपडेट कर रहे हैं। इसलिए जो इस टाइप का विभिन्न माध्यम से जो भ्रामक सूचना फैला जा रहा है बिल्कुल विश्वास मत करिए और हमारा फेसबुक और ट्विटर और इंस्टा हैंडल को फॉलो करके सही सूचना प्राप्त करके अपना यात्रा को सुगम बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी वीडियो फैलाए ना जब तक आप इसकी हकीकत ना जान लें, वीडियो कहाँ है और इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी जानने के बाद ही इस वीडियो को आप शेयर करें, इस वीडियो के बारे में लिखें। बिना जानकारी के आप अगर उसको शेयर करते हैं तो आप सोच सकते हो कि केदारनाथ में जो लोग गए होंगे उन लोगों के घर वाले कितने डर गए होंगे ये वीडियो। तो आप लोगों से निवेदन है ऐसी वीडियो को शेयर ना करें बिना हकीकत जाने। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो पसंद आ रही है। ऐसी अपना साथ देते रहें, सपोर्ट करते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः।